गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मोर इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.3 एंड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिसलेनियस एक्सरसाइज. सी क्वेश्चन नंबर 17. दिस क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी देन द डिटर्मिनेंट दिस. आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है. तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको करा दे रहा हूं ताकि ये स्पेस मेरा खाली हो जाएगा, उसके बाद मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ. देखिए ध्यान से, ए बी सी अगर एपी में है, सिंस ए बी सी आर इन एपी. तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2a 2b और 2c लिखा है. अगर ए बी सी ए पी में होता है तो क्या होता है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि 2b इन्वॉल्व होता है और a और c इन्वॉल्व होता है. लेकिन यहां पर 2a 2b और 2c आ रहा है. तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप यहां पर 4b बना लीजिए. अगर आप 4b बनाएंगे तो क्या होगा, आपका 4b इक्वल टू 2a प्लस 2c हो जाएगा. देखिए ध्यान से, यहां पे क्या होगा, 2b इक्वल टू a प्लस c होगा. लेकिन अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4ab इक्वल टू 2a प्लस 2c हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें. तो यहां पर आप क्या काम करिए, इस r2 में आप क्या काम करिए, r2 में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए. x प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2a, यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2x प्लस 6, 2x प्लस 8, 2x प्लस 4b, डिवाइड भी कर लिया ताकि बैलेंस हो जाए. x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c. अब आप यहां पर एक ट्रिक लगाइए कि अगर मैं R2 में, ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, अब मैं R2 में R2 माइनस R1 प्लस R3 का अगर करता हूं, ये ऑपरेशन अगर लगाता हूं मैं, तो मैं देखता हूं यहां क्या होता है. देखिए ध्यान से, 2x प्लस 6 इसमें से माइनस करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा आपका. बिल्कुल ऐसे ही यहां पर देखिए 2x प्लस 8 आ रहा है तो यहां पर भी 0 आ जाएगा. यहां पे देखिए 2x प्लस, अब यहां पे क्या हो रहा है आपका, जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2a प्लस 2c. तो 2a प्लस 2c की जगह आप क्या ले सकते हैं, 4b. तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा. तो आपका जो ये R2 रो है वो आपकी 0 हो गई. और अगर R2 रो 0 हो गई तो इसका मतलब है इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका 0 आ जाएगा. एक बार मैं फिर से इस स्टेप को समझा दे रहा हूं. ये स्टेप तो सभी को समझ में आ गया, ये स्टेप सभी को समझ में आ गया. ये स्टेप समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, यहां समझाने के लिए बता रहा हूं मैं. 2x प्लस 4b लिखा है आपने माइनस, अब आपने इनको ऐड किया तो क्या आया, 2x प्लस 2a प्लस 2c आया. 2a प्लस 2c की जगह आप क्या ले सकते हैं, 4b. तो ये पूरा कैंसिल होकर 0 आ गया. तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा आपका, इस पूरे का आंसर आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या आएगी, 0 आएगी. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे 2a 2b और 2c लिखा हुआ है. तो आपको पता है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा. 2 से मल्टीप्लाई मैंने जानबूझ के किया ताकि आपका ये 2a और ये 2c जो है वो आपका यूज हो जाए. अब यहां 4b आ रहा है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. किसमें, R2 में. R2 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया. अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे जो है मेरा ये आ गया. और उसके बाद जो है आपने उसको देखा कि ये R2 जो रो है वो आपकी 0 0 0 आ रही है. और अगर 0 0 0 आ रही है तो फिर इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा वो आपका 0 हो जाएगा. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. ये मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 17 है. तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत ध्यान से काम करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को भी करते हैं। यहां पर हम लोग क्या काम करते हैं, आपको ये प्रूफ करना है जीरो के इक्वल। तो ऐसा काम करते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां पर कॉस ए कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं। तो ये क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बिल्कुल ऐसे यहां यहां पर भी यही काम करते हैं, यहां पर भी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहां पर भी यही काम करते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं क्या काम करता हूं, इसको स्प्लिट कर लेता हूं, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूं, क्योंकि ये टर्म आपका जो है डिफरेंस से आ रहा है, तो स्प्लिट कर लेते हैं, इसको दो हिस्सों में बदल लेते हैं। ये मैं ऐसे लिख लेता हूं, आपको समझ में आएगा, ये तीनों में माइनस है तो यहां पे लिख लूंगा मैं, छोटा छोटा लिख दे रहा हूं मैं आपको, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहां पर आएगा आपका कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, यहां पर भी साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस गामा कॉस डेल्टा, यहाँ पे भी मैं यही काम करूँगा, स्प्लिट कर दिया मैंने, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहां पर माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, तीनों में माइनस है तो बाहर निकाल लिया, साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे कॉस डेल्टा है बेटा, यहां कॉस डेल्टा होगा, कॉस डेल्टा है, गलती से कॉस गामा लिख गया था मैं, यहां पर कॉस गामा जो है कॉस डेल्टा सॉरी कॉस डेल्टा, इसको मैं डेल्टा बोलता हूं, कॉस डेल्टा को कॉमन ले लीजिए आप, क्योंकि ये तीनों में है, तो यहां क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यहां पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये आइडेंटिकल है तो ये हिसाब किताब आपका जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहां आ जाइए, यहां पर भी आपका साइन डेल्टा कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ध्यान से देखिए, ये और ये यहाँ पे आइडेंटिकल हो रहा है, दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, ये आपका प्रूफ हो गया। इसको मैंने कैसे किया एक बार बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ फार्मूला लगाया, स्प्लिट कर लिया डिटर्मिनेंट को, उसके बाद यहाँ से कॉस डेल्टा कॉमन लिया, यहाँ से साइन डेल्टा कॉमन लिया, और उसके बाद देखा कि दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो ये वैल्यूज जीरो हो गई, जीरो माइनस जीरो जीरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं पहले क्वेश्चन नंबर टू के बारे में डिस्कस करता हूं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का है। कोलिनियर के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंडीशन होती है एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन, अगर ये आपका जीरो के इक्वल आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है, और अगर जीरो के इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो आइए बात करते हैं एक्स वन वाई वन ए बी प्लस सी वन फिर बी सी प्लस ए वन फिर सी ए प्लस बी वन। अब इसको सॉल्व करते हैं।
ध्यान रखिएगा मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2। लाइए मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ये मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है ये। अब अगर इसकी वैल्यू आपकी जीरो आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका फॉर्म नहीं होगा। तो बात करते हैं, अब आप देखिए ध्यान से, मैं इसको दूसरी तरीके से करता हूँ। मैं यहाँ पर C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C आ जाएगा, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C आ जाएगा, बाकी जो आ रहा है आने दीजिए, C प्लस A, A प्लस B और 1 1 1। अब आप इसको कॉमन ले लीजिए, 1/2 A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आया 1 1 1, यहाँ पर जो आ रहा है आने दीजिए, C प्लस A, A प्लस B, 1 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। तो आइडेंटिकल हो गए तो इसका मतलब है कि 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, यानी कि 0, यानी कि ये पॉइंट जो है वो आपके कोलिनियर होंगे। कभी कभार ये क्वेश्चन आपका ऑप्शनल में आ जाता है, क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं, तो आप याद रखिए ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। ये क्यों आया ये मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको ये मालूम भी होना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, MCQ में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस x1 y1 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो इसका एक मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, मैंने कहा था कि x y1, x1 y1 1, x2 y2 1, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आ जाएगा। तो अब मैं आपको, खैर जो है मैं आपसे कहूंगा कि अब आपको खुद ही सॉल्व करना है, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने कहा था कि जीरो बना लीजिए आप, यहाँ पर जीरो बना लीजिए। तो क्या काम करेंगे आप करेंगे R2 में R2 माइनस R1, तो यहाँ जीरो बन जाएगा। R3 में R3 माइनस R1 करेंगे, लाइए मैं कर दे रहा हूँ, देखते हैं। अब R2 में R2 माइनस R1 कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका, XY1 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस X, 2 माइनस Y, 0, यहाँ पर 3 माइनस X, 6 माइनस Y और 0। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग C3, एक्सपेंड अलोंग C3 कर दीजिए, C3 यानी कि प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यानी कि 1, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर माइनस 0, प्लस 0, कैसे हुआ, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये लिख दिया। अब ये तो पक्का 0 होगा ही होगा। अब आप 1 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 माइनस वाई 3 माइनस एक्स, ये आ गया इक्वल टू 0 दे रखा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 इंटू 6 6 आएगा, 1 माइनस वाई आएगा, माइनस का 6x आएगा, प्लस का xy आएगा। अब यहाँ आ जाइए, ये अलग हो गया आपका, यहाँ पर 2 3 जा 6 आएगा, 2x आएगा, माइनस का 3y आएगा और प्लस का xy आएगा इक्वल टू 0। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, 6 माइनस वाई माइनस का 6x प्लस का xy माइनस का 6 प्लस का 2x प्लस का 3y माइनस का xy इक्वल टू 0। बस अब आप इसको जो जो कैंसिल हो रहा होगा वो काट दीजिएगा और एक इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी। बहुत आसान सवाल है, आराम से आपको ये फार्मूला आना चाहिए। कहीं कहीं बुक्स में यहाँ 1/2 लिखा होता है तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ यहाँ 1/2 की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब इधर आएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने सवाल को कर दिया, आराम से सॉल्व किया और मेरी एक इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन आप लिख दीजिएगा, वही आंसर होगा। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें थीटा इन्वॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, तो आप ऐसा काम करो, इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग
मेरी आदत है आर वन से करने की, तो आर वन कह लूंगा, आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग आर वन, तो एक्स लिखिए आराम से। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, वन आ जाएगा, ये खत्म हो गया कहानी। अब आइए माइनस साइन थीटा, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, माइनस का एक्स साइन थीटा, फिर माइनस फार्मूले का आएगा कॉस थीटा, फिर क्या होगा बच्चों, प्लस का कॉस थीटा, यहां पे लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, माइनस साइन थीटा, और फिर माइनस का एक्स थीटा, माइनस का एक्स कॉस थीटा, ये माइनस का एक्स कॉस थीटा लिखा है। अब आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स, ये इधर का हो गया। अब इधर देख लीजिए, ये भी माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाइए माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये चीज और ये चीज में मुझे एक्स कॉमन दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका वन हो गया, ये एक्स हो गया, ये आपका माइनस एक्स आ ही रहा है, ये और ये कैंसिल हो गए, ये तो वन हो गया, तो माइनस का एक्स क्यूब आएगा। इसमें कहीं भी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, जो आपका प्रूफ हो गया, कहीं भी इसमें थीटा नहीं आ रहा है, कहीं भी इसमें कहीं भी थीटा नहीं आ रहा है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, आपने आसानी से कर लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री समझा, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में मैं केवल आपको समझाऊंगा बच्चों, काफी लंबा निकल जाएगा सवाल ये, इसमें भी कुछ नहीं करना है, केवल आप एक्सपेंड कर दीजिए और आपका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। इसमें मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे करना है आपको, एक्सपेंड अलोंग आर वन, एक्सपेंड अलोंग आर वन, तो क्या लिखेंगे आप, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई से होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस का जीरो आएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस, माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, जो भी आ रहा है लिखे रहने दीजिए। अब की बार क्या एलिमिनेट होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा, माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा, फिर माइनस लगाइए, ये जीरो आ जाएगा, जीरो लिख दिया, फिर प्लस माइनस प्लस, जगह नहीं थी यहां पे इसीलिए मैंने यहां लिखा है साइन अल्फा, ये माइनस का आएगा, क्योंकि ये तो प्लस है, ये माइनस का साइन अल्फा आएगा। अब ये हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस ये हो गया माइनस का, तो फार्मूले का हो गया साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा और करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो गया पूरा खत्म। अब इधर आइए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, फिर यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये आपका आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, मुझे इसमें यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन दिख रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, एक तो मुझे ये चीज दिख गई यहां पर,
यहां पर मुझे साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा मुझे दिख गया, तो ये भी वन हो गया। फिर से कॉस स्क्वायर ये वन, ये वन, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, ये भी वन हो गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका वन आएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं, आंसर सिक्स। ये सारे ये भी क्वेश्चन मिसलिनियस का है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर बी सी, ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी सी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, मुझे इसमें जो है सी वन में ए कॉमन निकल रहा है, सी टू में बी कॉमन निकल रहा है और सी थ्री में सी कॉमन निकल रहा है। यानी टेकिंग टेकिंग आउट कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन ए फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, फ्रॉम फर्स्ट कॉलम बी फ्रॉम सेकेंड कॉलम और सी फ्रॉम थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम यहाँ से कॉमन निकल रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से मुझे ए कॉमन निकला, बी कॉमन निकला, सी, यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से बी निकलेगा, यहाँ से सी निकलेगा। अब जो बचा वो लिख दीजिए, ए ए प्लस बी, यहाँ पर क्या आएगा बी, यहाँ से बी निकला तो यहाँ आएगा सी बी और बी प्लस सी आएगा, यहाँ पर आपका ए प्लस सी आएगा, यहाँ पर आपका ए आएगा और यहाँ पर आपका सी आएगा, ये आ गया आपका। अब बच्चों आप लोगों ने इस टाइप का एक सवाल पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका आंसर आता है 4abc और वो मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाया था, आपको मैं बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को भी। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर r2 में अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, r2 में r2 माइनस r1 प्लस r3 कर दूँ, तो देखिए ध्यान से, पहले r2, पहले तो बाकी लिख लो ऐसे ही, ए सी ए प्लस सी, बी बी प्लस सी सी। अब इन दोनों को ऐड करो, इसमें से घटाओ, जीरो आएगा। इन दोनों को ऐड करो, इसमें से घटाओ, तो आपका आएगा माइनस का 2c। फिर इन दोनों को ऐड करो, इसमें से घटाओ, तो माइनस का 2c आएगा। अब आप एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग c1, ए बी सी आ रहा है, आने दो बाहर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको सब कुछ समझा दूंगा। पहले आप लिखिए प्लस माइनस प्लस, ए लिखिए, ठीक है, ये इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 2c स्क्वायर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी और माइनस का 2c, ये आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब यहां पर आएगा माइनस का जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो ही आएगा। फिर प्लस का बी, प्लस माइनस प्लस, प्लस का बी लिखा आपने, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का टू सी स्क्वायर आ जाएगा और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, माइनस तो लगाएंगे ही लगाएंगे फार्मूले का, फिर इससे होगा, लाइए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए प्लस सी और माइनस का टू सी। अब ए बी सी तो बाहर आ रहा है, आने दीजिए, इसमें कोई हम छेड़खानी नहीं करेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करना चालू करिए, रुक जाइए, माइनस का 2c स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2bc, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है, तो 2bc और प्लस का 2c स्क्वायर, ये आ गया, ये और ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पर करते हैं इसका, माइनस का 2bc स्क्वायर फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 2ac और प्लस का 2c स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं b से मल्टीप्लाई करना भूल गया, देखिए यहाँ किया मैंने मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी तो b से मल्टीप्लाई होगी, ये b से मल्टीप्लाई मैं यहाँ करना भूल गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4abc आ जाएगा, 2abc और ये प्लस का 2abc, ये 4abc हो गया और बाहर abc आपका आ रहा है,
तो ए बी सी इंटू फोर ए बी सी यानी कि फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा आपको सारे क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।